नमस्कार, मैं हूं प्रिया छौर, आप देख रहे हैं 10G न्यूज। फुलवारी शरीफ से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर 25 लोगों पर FIR जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं इस पूछताछ को लेकर। आपको बता दें कि ये जो 25 लोग के नाम पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, इसमें से 10 लोग पटना के हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ना ही सिर्फ पटना के, बल्कि इसमें बड़े बड़े कारोबारियों का नाम भी सामने आ रहा है और कुछ कुछ इसमें शिक्षक भी हैं जो पटना में रहकर कई सालों से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका भी नाम इसमें आ रहा है। आपको बता दें कि इन आतंकवादियों से पूछताछ की गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि उनका मेन जो टारगेट था वो कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 12 जुलाई को बिहार विधानसभा शताब्दी भवन का समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और यही उन आतंकवादियों का टारगेट था, वो उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन IB की इनपुट पर पटना पुलिस ने 11 को ही दोनों आतंकवादियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि इन्हें 15 दिन की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए। इन्होंने कहा जो इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करता है उसके लिए बाकायदा इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिसको टारगेट पे रखा हुआ था उन्हें मारने के लिए। आपको बता दें, ये जो आतंकवादी है ये अन्य राज्यों से इस्लामी युवाओं को बुलाते थे, जो मुस्लिम समुदाय के युवा हैं, बेरोजगार थे, उन्हें बुलाते थे और उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। दो समुदाय के बीच में नफरत इनके मन में भरी जाती थी और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और इनका टारगेट था 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाने का, और इसी मंसूबों को लेकर ये ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही थी। आपको बताएं, अब इन दो अपराधियों को धर दबोचा गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके खातों में लगभग 80 लाख रुपए मिले हैं। इस पर भी कार्रवाई हो रही है कि आखिरकार इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से और क्या इनकी फंडिंग में पाकिस्तान का हाथ है या नहीं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कार्रवाई आगे जारी है और बहुत जल्द ही इन लोगों का जो मंसूबा था वो लोगों के सामने होगा और बहुत जल्द ही ये लोग जो सोच रहे थे और आगे कितना ये गिरोह फैला हुआ है, ये सब बातें सामने आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इन तमाम खबरों को जानने के लिए और देखते रहिए 10G न्यूज। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।